वाराणसी के रोहिणिया थाना क्षेत्र के रिजॉर्ट में रहने वाली फ्रेंच महिला के साथ बलात्कार के आरोपी ओम प्रकाश पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिजॉर्ट का ही चौकीदार है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। नशे में उसके साथ जो है वो ऐसे से रैप कंडीशन में पकड़े गए हैं। क्या कर रहे थे? बलात्कार कर रहे थे? बलात्कार अब कुछ भी कह लीजिए, मैं नशे में था, कुछ भी कह सकते हैं। ये फ्रांसीसी महिला के साथ बलात्कार किए? नहीं, बलात्कार नहीं किया, हाँ मतलब किए, मतलब वो उसके मर्जी से सेक्स करवाई उन्होंने। अच्छा, मारपीट भी किए उनके साथ? हाँ, दोबारा मैं बोला मैं नहीं करूँगा, तो मैं छुड़ा कर भाग रहा, तब मारपीट करने लगी, तब फिर मैंने एक थप्पड़ मारा, फिर सीढ़ी के नीचे गिर गई, फिर उसके बाद फिर मैंने उसको उठा कर पट्टी वट्टी किया, वह कहते फिर बिस्तर लगाया, हम कहीं सोइए, कहने अब यहीं सोइए हमारे साथ, हम कहे मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा। जब ये सब लग गया तो मैं डर के मारे जो है अपन जो है जो जब मुझे पैसा दी थी वो सब सारे उसे दिए थे, अपना एक मिनट लेकर मैंने घर चला गया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस घटना को जघन्य अपराध मानते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे केस में जघन्य इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए 376 C 307 394 506 411 IPC के तहत इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ये भी ट्राई करेगी कि इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इस व्यक्ति की जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई पुलिस एविडेंस ना छोड़े और इसके 100% इसको सजा कराई जाए। इस घटना में पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, पर इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए कड़े कदम उठाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ की रिपोर्ट।